भाजपा नेता केडी जाटव के घर पर बीती रात मोहल्ले के ही दबंगों ने फायरिंग और पथराव की घटना को अंजाम दिया। परिवार के 6 लोग इस पथराव के दौरान घायल हुए हैं। पेश है ये रिपोर्ट। भाजपा के पूर्व प्रवक्ता केडी जाटव के घर बीती रात दबंगों ने पथराव और फायरिंग की घटना को अंजाम दिया। घटना के दौरान परिवार के 6 लोगों का डॉक्टरी परीक्षण पुलिस ने कराया। 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के पीछे पुरानी रंजिश होना बताया जा रहा है। पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल में जुटी है। पुलिस ने 4 लोगों के नाम FIR भी दर्ज कर ली है। पेश है ये रिपोर्ट। भाजपा के पूर्व प्रवक्ता केडी जाटव के घर बीती रात दबंगों ने पथराव और फायरिंग की घटना को अंजाम दिया। घटना के दौरान परिवार के 6 लोगों का डॉक्टरी परीक्षण पुलिस ने कराया। 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के पीछे पुरानी रंजिश होना बताया जा रहा है। पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल में जुटी है। पुलिस ने 4 लोगों के नाम FIR भी दर्ज कर ली है। पेश है ये रिपोर्ट। क्या घटना क्या हुई थी? कल रात 10 बजे का यहाँ तेजू जैसी का कार्यक्रम चल रहा था और हम परिवार के लोग जेंट्स लोग यहाँ थे नहीं, माताएं बहने बच्चे थे। ये 7-8 लोग यहाँ पर घर पर आए और एकदम हमला उन्होंने बोल दिया। कौन लोग हैं क्या बताइए? ये यहाँ पर शराब की तस्करी करते हैं, अभी धंधा करते हैं इनकी। हमने कई बार शिकायत की है, शिकायत करने के बाद ये बौखला गए, पूरी तरीके से बौखला गए। बौखलाने के कारण उन्होंने मेरे परिवार पर और मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया, हवाई फायरिंग भी की। फायरिंग के साथ साथ मैंने पुलिस को मौके पर सूचना दी, पुलिस मौके पर आई, लेकिन मुझे कोई संतोषजनक जवाब नहीं है। 4 लोगों का परिवार के बालों का हमारा मेडिकल हुआ है, मेडिकल आगे मैं थाने में तैयारी भी दे दी है मुकदमा लिखने के लिए। इंस्पेक्टर साहब ने तैयारी भी ले ली है, लेकिन वहाँ पर आज तक अभी तक कोई सर्विस नहीं दी, अभी तक कोई उनके खिलाफ कोई सख्त कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब किस तरह का खतरा महसूस कर रहे हैं? हमें तो पूरा खतरा, हमारे साथ उन्होंने हमारे घर पर हमला कर दिया। कहीं रास्ते में हमको घेर के कोई भी हमारे साथ अप्रिय घटना कर सकता है वो आदमी, क्योंकि वो एकदम बौखलाया हुआ। क्या नाम है, कौन लोग हैं ये? देखो पूरन सप्ता और पुत्र रामू और क्या कहते प्रमोद और श्यामू, ये 4-5 लड़के इसके, वो सभी इस धंधे में विलिप्त हैं। और इसके साथ साथ और इसके साथ साथ 4-5 लोग उसके साथ और थे, और माता बहनों के कुंडल उंडल भी कान वान तोड़ लिए हैं। मैंने आपको दिखा भी दिया है। आपका बताओ क्या बात हुई थी? जी को भी शादी वादी अरे नहीं बैठे तो अपने गाना बजाना कर रहे, पर लोग आए के पकड़ के मकान को खेच लो, मारपीट करी पूरन के घर के आते सब लोग। मैं तो ना हूँ तो ना जानते, मगर पहचानते हैं। क्या पथराव फायरिंग भी की? क्या पथराव फायरिंग की है? बाद में पहले तो जी मारपीट करी है हम लोगों ने की, बाकी बाद में पथराव ईट पीट फेंकी है, वहाँ के बाद गोली चलाई है हम लोगों ने। हमने 100 नंबर पे कॉल करी तो फिर लोगों ने कही कि हाँ अभी भेज रहे पहले तो फोन होना, बहुत देर बाद पुलिस आई है। और पुलिस इंस्पेक्टर साहब है फिर तो हम लोगों को ही गाड़ी दे रहे हैं। झगड़े सारे हो, दमंग बन रहे हो गए, झगड़ा करते हो उनकी ना भैया, हम किनसे झगड़ा करते हैं, सामने किसी से झगड़ा नहीं कर रहा। और पुलिस तो ताड़ रहे थे, इंस्पेक्टर साहब आते बहुत सी आते हैं, मैं तो जानती ना आपके ऊपर यही कह रहे थे गोली चला दूंगा मैं नेताजी के ऊपर।